ये बंदे की क्या गलती है, क्या कर रहा है? बोलो आप मेरे को, बुजुर्ग है ना ये? कहाँ है सर्कल साहब, कहाँ है साहब, कहाँ है जी सर्कल, कहाँ है? अरे नहीं सर, टेंशन हमारे को नहीं है, हम डेली सुबह में हम भी जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या टेंशन है सर? वो डायलिसिस छोड़ने का नहीं है, छोड़ने का मैं छोड़ दो साहब, छोड़ने की बात नहीं है, आप बात क्लियर करिए पहले, क्या मसला क्या आया फिर आपसे सर्कल साहब कहीं को भाग गए हैं आपकी हालत देख के उनसे गोलियां ले लिए गोलियां नहीं साहब ऐसा ही साहब जब आप दी रिकॉर्ड सुनना नहीं है मैं आपको अब कहीं तो छोड़ रहा है, जब से छोड़ना था, जब से छोड़ना था इसी बात कर रहे हो, अच्छा छोड़ना था ना, आप कहाँ गाड़ी को, ऑटो कहाँ ऑटो गाड़ी पे आया था, गाड़ी में लाओ, गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ, कैसा चाबी नहीं देते, गाड़ी लाओ तुम सर, कोई भी पुलिस वाले इतने बार पकड़े, कार्ड बता तो छोड़ दिए, अब के जितना अच्छी आदि थी करना पड़ा, मेरी बहन को डाले से आप कुछ तो बोला ना साहब, आपका नाम क्या है, आप कहीं को फोटो ले रहे साहब, आप पूरा चालान डाल दिए मेरे को, मैं बंदों भी बोला साहब आपको, मैं नहीं बंदों बोल के थोड़ी बोला साहब, आप थोड़ा तो इतना कॉपरेट करिए बहन मेरे, जरा डायलिसिस पेशेंट है आपको, मैं इतना रिक्वेस्ट करा, मैं बहुत दूर से आया था, इसलिए छोड़ रहे ने, मैं साहब को माजिद हुसैन साहब को बुलाया, कितनी देर से मैं जाफर हुसैन मेरा साहब को फोन कर रहा, माजिद हुसैन साहब आए, तुम सर्कल साहब आओ ना, मुकाबला करो ना मेरा, अरे हम खुद समझ रहे हैं आप ला प्रॉब्लम में है, आप ला परेशानी में, हम खुद कॉपरेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, हमारे प्रेसिडेंट आपके साथ कॉपरेट करो बोल रहे हैं, आप लोग कॉपरेट कर रहे हैं, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है ना साहब, ये लो यहाँ देखो जी, अब लियो नहीं ऐसे लो फोटो, ये लो हमारे साथ लियो साहब फोटो, चाहे उनकी कुछ मदद हो, अब उन्होंने वापिस अपने ओल्ड एज होम को जा रहे हैं, ऑटो पकड़ लिए, क्या है साहब, पहली बात आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ना भी नहीं, वहाँ से यहाँ तक पैदल अंदर गाड़ी ढक ला के भेजा दिए, लोपटा किसको बोलो, अरे तो सर इतना पाना मांगा ले कौन किसको बोलो, किसको पान क्या बोलेगा, अच्छा मैं लेके चलो, जहाँ लेके मैं भी नहीं आता हो रहा, मेरे चलने दस कदम चले तो हाथ पूरा खींच रहा, करा के आ रहे थे वहाँ सभी हॉस्पिटल से, थी तबीयत खराब हो रही तो भी नहीं छोड़ रहे लोग, दो तीन घंटे हो गया, चक्कर आ रही बहुत, घर को जा रहे थे हमारे गोलकुंडा कटोरा उसके, नहीं नहीं गाड़ी यहाँ रख दो, नहीं छोड़ते, बैठ जाओ वहाँ पे बल्कि भर, तो आप रोज़ा कहाँ खोलोगे, यही जी मैं तो तकलीफ में रही, रोज़ा तो नहीं थी, मैं हमारे भाई थे रोज़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं आ रहा था यहाँ मास्टर टैंक्स पर, आके मुझे रोक लिया गया, मैं ओली ये अपने हॉस्पिटल को गया था, वासुवी हॉस्पिटल को, मैं डायलिसिस करा के हमारे बहन का लेके आ रहा था, मैं रिपोर्ट्स बताया पूरे, रिपोर्ट्स पेश किया सर्कल सक इंस्पेक्टर साहब को, ट्रैफिक पुलिस के थे, मैं उनसे राब्ता किया, प्लीज़ सर
थोड़ी पेशेंट है, मैं रोज़े में हूँ तो कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। मैं कमिश्नर साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि मैं रोड पे बेकारी के नहीं फिर रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे पास आरसी, मैं एक उस पर लिया था गाड़ी, मैं उसका पेमेंट भेज रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे कि इन्हों बात मेरी सुन रहे नहीं। मैं रोज़ा भी यहीं खोला था, मैं पानी तक भी नहीं पिया। मैं इसलिए मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हों हमारे साथ बहुत बदतमीजी से चल बैठ जा। अरे तुरे प्लीज़ सर, ऐसा नहीं पेश आना चाहिए। मैं रोज़े में हूँ सर, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपको दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला और अच्छे मुकाम पे आपको फ़ायज़ फरमा दे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट किया सर से, मगर उन्होंने बोले तू कौन हमको करने वाला। मैं यही बताया साहब को कि देखो साहब, इस गरीब की दुआ लेंगे तो अल्लाह तुमको कामयाब।